अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम डी कैट जर्नी। सो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। सो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ गाइडेंस की वीडियोस बनाई जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं आपके साथ सबसे पहले केमिस्ट्री की जो अथेंटिक पेयरिंग स्कीम है वो शेयर कर रही हूँ, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने कम टाइम में अच्छी तैयारी कर लेनी है। सो ये स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। सबसे पहले हम स्कीम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो एमसीक्यूज होता है, जो कि 17 मार्क्स का होता है, यानी कि 17 एमसीक्यूज होते हैं। सो चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, इन सारे चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आने हैं, एंड 7, 8, 9, 10, 11 इन चैप्टर्स में से 1 एमसीक्यूज आने हैं। सो एमसीक्यूज के लिए तो आप इसको स्कीम को देख ही नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज तो आपने सारे चैप्टर में से आने, इसलिए आपने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज करने। और एमसीक्यूज की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा फार्मूला बता रही हूँ, उसको आप फॉलो कर लें कि आपके जो पास्ट पेपर्स हैं अप टू डेट, उनको उनके एमसीक्यूज को आप अच्छी तरह से फिंगर टिप्स पर याद कर लें, तो आपके एमसीक्यूज 100% सॉल्व हो जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। सो शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस होने हैं, जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, और इनके चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 8, और इन चारों चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो इसमें से कोई एक चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। ये उनके लिए है कि जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है और वो कम टाइम में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, और लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है तो वो तो फिर कंप्लीट ही करें। ठीक है, इसके अलावा जो है, अगर आप एक चैप्टर छोड़ देते हैं जो आपको थोड़ा नहीं आता, तो फिर भी आपके 9 अटैम्प्ट होंगे, जबकि आपने अटैम्प्ट 8 करने हैं। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 12 करने हैं सेम, और उसमें से 12 आएंगे और उसमें से आपने 8 करने हैं। इसके चैप्टर हैं 4, 5, 9, 11। इसके अंदर देख लें, 4 में से 4 क्वेश्चंस, 5 में से 3, 9 में से भी 3, और 11 में से 2। तो इसमें से भी जैसा मैंने आपको पहले बताया वैसे ही आप कोई छोड़ भी सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें जो चैप्टर्स हैं 1, 6, 7, 10, और इन सब में से 3 आने हैं। तो ये मैंने आपको बता दी। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी जो बेस्ट है अभी के लिए, वो आप पास्ट पेपर्स यूज़ करें। पास्ट पेपर्स में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप लाजमी करें, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी हद तक हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केमिस्ट्री में जो बुक में जो चैप्टर्स की एक्सरसाइज होती है उनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज तकरीबन 99% जो हैं वो एक्सरसाइज से ही होते हैं। और अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की, और इसके अंदर पेयरिंग स्कीम बहुत फ़ायदा देती है। ठीक है, सो टोटल आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें देखें, जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ए बी पार्ट होना है, तो फर्स्ट पार्ट 1 चैप्टर से, सेकंड पार्ट 4 चैप्टर से। छठा जो क्वेश्चन होना है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट 3 चैप्टर से और 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है, और बी पार्ट 5 चैप्टर से। 7 क्वेश्चन जो है उसके अंदर ए पार्ट 6 चैप्टर से, बी पार्ट 8 चैप्टर से, और 8 से भी न्यूमेरिकल। 8 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पार्ट 7 चैप्टर से, बी पार्ट 10 चैप्टर से, और 9 क्वेश्चन जो है वो है फर्स्ट पार्ट 9 चैप्टर से, बी पार्ट 11 चैप्टर से। अब इसके अंदर से आपने कोई से 3 पेयर्स अटैम्प्ट करने। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं, तो मेरी एडवाइस ये है कि जो चैप्टर्स न्यूमेरिकल्स वाले हैं ना, वो आप मस्ट रखें अपने अटैम्प्ट के चॉइस में। ठीक है, कि आप जो उनसे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं वो लाजमी अटैम्प्ट करें। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि न्यूमेरिकल आपके एक तो तैयार भी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूशन होता है, वो आप एक बार प्रैक्टिस कर रहेंगे 3-4 बार, तो वो आपके हाथ पर आ जाएंगे और आपको वो पेपर्स के दौरान रिवाइज़ करने में भी आसानी होगी। ठीक है, और दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया और उसका आंसर आपने सही निकाला, तो उसके अंदर आपको 4 मार्क्स पक्के मिलेंगे। ठीक है,
और वही जो ये है कि ये वाला आपको याद करने में भी रिवाइज़ करने में भी आसानी होगी और आप ज़्यादा टाइम जो दूसरा पार्ट है उसको याद करने में टाइम दे सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरी तरफ से एडवाइस थी और बाकी आप देखें, अगर आप कोई और अटेम्प्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो दो पार्ट तो अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 3, 5 और 6, 8 हो जाएगा और जो तीसरा पार्ट है वो आप देख लें, जौन सा आपको आसान चैप्टर लगते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड पार्ट भी अगर मैं आपको कहूँ तो मेरे लिहाज से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए 1 और 4 चैप्टर, क्योंकि दोनों चैप्टर ही बहुत आसान हैं। अब बात करते हैं कि आपने तैयारी करनी कैसे। ठीक है, सो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लें आपने कौन से पेयर्स अटेम्प्ट करने, जब आप ये डिसाइड कर लें तो फिर आप इस तरह से पहले वही चैप्टर्स रिवाइज करें जो आपने लॉन्ग में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, तो 6 चैप्टर जो आपने लॉन्ग में अटेम्प्ट करने हैं वो आप पहले तैयार करें। और कैसे तैयार करें कि उसमें से जो लॉन्ग बनते हैं उनको याद करें, पास्ट पेपर्स में से देखें कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं और एज अ लॉन्ग आए हुए हैं। लेकिन जो फुल तैयारी करना चाहते हैं वो तो फिर हर चीज़ को एज अ लॉन्ग ही लें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि जो हम समझ रहे होते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, तो जब आप ये कर लें तो फिर लॉन्ग क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स के जो हैं आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी साथ साथ करें और MCQs तो साथ होते रहेंगे। जब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस वाले सारे चैप्टर्स अटेम्प्ट हो जाएं तो फिर आप शॉर्ट क्वेश्चंस वाले चैप्टर याद करें और उसके लिए आप पास्ट पेपर्स यूज़ करें। पास्ट पेपर्स में उनमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आप अच्छी तरह से याद करें और MCQs भी, और उसके अलावा आप जो बुक की एक्सरसाइज है वो कर लें। बल्कि अगर आप पास्ट पेपर्स कर लेते हैं तो आपके एक्सरसाइज खुद ब खुद कवर हो जाएगी और आपके तकरीबन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे और उसी में से ही ऑलमोस्ट पेपर आएगा। अगर आप इस स्कीम को फॉलो करते हैं तो आप 85 out of 85 मार्क्स ले सकते हैं, और जिस तरह मैंने बताया है अगर आप उस तरह से तैयारी कर लें। और जब आप फिर शॉर्ट क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स याद कर रहे हों तो साथ साथ आप लॉन्ग क्वेश्चंस वाले चैप्टर को रिवाइज करते रहें, इस तरह से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो आज मैंने आपके साथ केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम शेयर की और आपके साथ थोड़ा स्ट्रैटेजी भी शेयर की किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपको किसकी प्रिपेयरिंग स्कीम चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।